इस वक्त मेरे साथ दीप्ति मौजूद हैं, जो कि यूक्रेन से लौटी हैं। उनका पूरा परिवार यहाँ पर साथ में है। माँ, जाहिर सी बात है, जो माता जी हैं वो बहुत ज्यादा भावुक हो गई थी बेटी से मिलके। पहले दीप्ति से बात कर लेते हैं। दीप्ति, सबसे पहले ये बताइए, वहाँ पर किस जगह थी आप और कब से घर से निकली हुई थी भारत आने के लिए? मैं टर्नोबिल से हूँ वैसे, लेकिन मैं कीव गई थी। मैं 22 को कीव चली गई थी क्योंकि मेरी 23 मॉर्निंग की फ्लाइट थी, लेकिन 23 को मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, उसकी वजह से मुझे वहाँ स्टे करना पड़ा एक दिन के लिए। लेकिन 23 की मॉर्निंग में ही मेरे वहाँ पर ब्लास्ट हो गया था। फिर उसके बाद मैं वहाँ से निकल नहीं पा रही थी, बहुत मुश्किल से एयरपोर्ट गई, फिर वहाँ से कुछ नहीं हो पा रहा था। फिर निकल करके मैं वहाँ पे रेलवे स्टेशन गई, वहाँ से कोई ट्रेन नहीं मिल रही, बस नहीं मिल रही, कुछ नहीं। एक टैक्सी। आप जो है कहाँ ठहरी हुई थी और ये जब वहाँ पर अटैक हुआ उसके बाद से आपने स्ट्रगल शुरू किया वहाँ से निकलने के? हाँ जी, जैसे अटैक हुआ उसके बाद मैं तुरंत एयरपोर्ट के लिए निकली। फिर उसके बाद वहाँ से रेलवे स्टेशन कोई ट्रेन नहीं मिल रही थी, कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी, कुछ नहीं। फिर बहुत मुश्किल से एक टैक्सी हुई कि मेरे को टर्नोपिल जाना था या फिर वेस्ट साइड की तरफ निकलना था। तो वो टैक्सी वाले ने कीव भी क्रॉस नहीं करा था और मुझे रस्ते में छोड़ दिया था, क्योंकि रोड पे टैंकर्स आ रहे थे बहुत ज्यादा, एक बहुत ज्यादा रश था, उन्होंने बीच में छोड़ दिया। फिर मैंने वहां से 14-16 किलोमीटर के अप्रोक्स मैं पैदल वॉक करके। आप अकेले ही थे? बिल्कुल नहीं, मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स थे। तो वहाँ से मैंने 14-16 किलोमीटर के अराउंड पैदल वॉक करके वेस्ट की तरफ मूव करने की कोशिश करी। मैंने कोशिश करी कि मैं निकल जाऊँ, कीव छोड़ दूँ, पर एट द लास्ट मैं निकल नहीं पाई क्योंकि रात होने लगी थी और आगे की साइड थोड़ा फॉरेस्ट टाइप एरिया था, तो फिर वो सेफ भी नहीं था। तो मैं वहीं पर स्टे करा कि शायद ये थोड़ा सेफ हो बॉर्डर है, लेकिन वहाँ पर भी कंटिन्यूस अटैक हो रहे थे। किस तरह की सिचुएशन आप लोगों ने अपनी आंखों से देखी वहाँ? मैंने अपनी आंखों से, मतलब कभी मेरे यहाँ पर राइट पे शेलिंग हो रही है, कभी लेफ्ट में हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा था नेक्स्ट नंबर यहीं का है, और मिसाइल भी जा रही है तो आंखों से नजर आ रही है, इस टाइप से बहुत वर्स्ट कंडीशन थी। उसके बाद आप जिस जगह मौजूद थी वहाँ कितने दिन आपको रहना पड़ा? एम्बेसी के कॉन्टेक्ट में थी लगातार? मैं अपनी एम्बेसी के और यूनिवर्सिटी के दोनों के कॉन्टेक्ट में थी। उस जगह पे मैं एक दिन रही, फिर नेक्स्ट डे जब मेरे से मतलब रहा नहीं जा रहा था कि मतलब बहुत अकेला सा फील हो रहा था, तो फिर मैं एम्बेसी गई। वहाँ से एम्बेसी में जाकर के भी 400 के अराउंड स्टूडेंट्स थे वहाँ पर, और वहाँ पर भी उस दिन से ही वहाँ पर शेलिंग स्टार्ट हो गई आसपास, तो बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन आ गई थी। हमें बोल रखा था कि कभी भी यहाँ पर मिसाइल आ सकती है और आपको भागना पड़ेगा, तो पूरी रातें बिना सोए हम काट रहे थे क्योंकि सामने से मिसाइल आती जाती दिख रही थी दूसरी साइड पे, और यही लग रहा था यहाँ ना आ जाए। और उनकी आवाज़ से बहुत ही मतलब घर हिल रहे थे, विंडोज हिल रही थी, बेड जहाँ पर थे हम वो चीज़ें हिल रही थी, तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मुझे ये बताइए कि जैसे आप बता रही हैं आप एम्बेसी चली गई थी, वहाँ शेल्टर लिया था आपने, ये किस दिन की बात है? और उसके बाद क्योंकि एक एडवाइजरी जारी हुई थी कि खारकीव और कीव में जो स्टूडेंट्स हैं या जो इंडियंस हैं वो तुरंत खारकीव और कीव छोड़ दें, तो वो आपको एडवाइजरी पहले मिली या बाद में मिली? वो वाली एडवाइजरी अभी परसों ही आई है, लेकिन मैं 26 को मैंने कीव एम्बेसी को बिन बताए वहां से छोड़ दिया क्योंकि मुझे डर लग रहा था, और उन्होंने बोला था कि हम जब आपको इवैक्यूएट करेंगे जब सब इवैक्यूएट हो जाएंगे और वॉर खत्म हो जाएगा, लेकिन उस टाइम का वेट करने से बेटर था कि मैं वहां से चली जाऊं। मतलब आपने एम्बेसी को बिना बताया अपने रिस्क पे आप वहां से? अपने रिस्क पर। पहले उन्होंने बोला कि हम मतलब कि इसमें यही है कि वॉर एंड होएगा तब हम आपको इवैक्यूएट करेंगे, तो वहां पर तो चाहे मैं वॉर से नहीं मरती लेकिन अटैक से मर जाती क्योंकि इतने भयंकर सिचुएशन थी वहां पर। तो फिर मैं वहां से निकली, ट्रेन मिली, ट्रेन में मेरे को अंदर नहीं जाने दे रहे थे, फिर हमारी यूनिवर्सिटी की टीचर्स ने हेल्प करी उनसे बात करके कि जाने दीजिए, तो फिर उन लोगों ने हमें जाने दिया। फिर मैं वहाँ से टर्नोपिल गई, फिर वहाँ से मैं बॉर्डर गई, बॉर्डर पे एक नाइट स्टे करना पड़ा, मतलब स्टे क्या कि पूरी रात वहीं पर खड़े हुए थे। -5-7 डिग्री टेम्परेचर था वहाँ पर, लोग ठंड की वजह से बेहोश हो रहे थे, गिर रहे थे, बहुत वर्स्ट कंडीशन थी। और फिर वहाँ पर अटैक मतलब वो लोग क्रॉस नहीं करने दे रहे थे। किस बॉर्डर की बात कर रही हैं? ये रोमानियन बॉर्डर। वहाँ पर किस तरह का स्ट्रगल आपने फेस किया? मैं पूरी रात वहाँ पर ठंड में खड़ी रही, हम लोगों को ना कोई बैठने के लिए जगह थी, ना उठने के लिए, ना कोई भी वैसा माहौल नहीं था। पूरी रात हम लोग वहाँ पर खड़े रहे, ठंड के अंदर कांपते रहे, बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ही सिचुएशन ख़राब थी। अच्छा, जब बॉर्डर क्रॉस किया उसके बाद फिर आपको कितने दिन यहाँ पे लगे आने में? बॉर्डर क्रॉस करने मैंने करा 28 को, और फिर मेरे को कल नाइट की फ्लाइट मिली थी, 3 दिन वहाँ पर लग गए। अभी आप कौन से ईयर की स्टूडेंट हैं वहाँ पर? मैं सेकंड ईयर। सेकंड ईयर, क्या कुछ रिक्वेस्ट आप गवर्नमेंट से करना चाहेंगी अपने फ्यूचर को या पढ़ाई को लेकर? क्या वापस जाना पॉसिबल लगता है आपका, हो पाएगा या आप जाना चाहेंगी?
अब ना वापस जाना पॉसिबल लगता है, और अब मेरा वहाँ से मन भी हट रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वो लोग हमारे साथ बिहेव कर रहे थे, फ्यूचर में वो हम लोगों के साथ पता नहीं कैसे बिहेव करेंगे, नहीं करेंगे, हम लोगों को क्या करेंगे, मुझे वहाँ पर सेफ्टी फील नहीं होगी। और मेरी तो यही है कि मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगी। गवर्नमेंट से अपील है कि हम लोगों के लिए यहीं पर ही कुछ अरेंजमेंट किया जाए, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पर काफ़ी पैसे वगैरह इन्वेस्ट करे, लेकिन अब वहाँ पर जाकर के फ़ायदा नहीं है। देखिए, दीप्ति हैं जिन्होंने बताया किस तरह से कीव में मौजूद थी और वहां से लेकर भारत आने तक का स्ट्रगल कितना ज्यादा रहा। गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करती हैं कि जो उनका फ्यूचर है, जो उनकी आगे की पढ़ाई है, उसके बारे में गवर्नमेंट जरूर कुछ आगे स्टेप ले। कैमरा पर्सन अजीत तिवारी के साथ मध्य एबीपी न्यूज दिल्ली।